वेलकम टू द किचन स्टोरी बाय ममता। आज बनने जा रहा है राखी स्पेशल में मावा कलश मिठाई। मैं हमेशा त्योहारों में अपने घर में ही मिठाइयां बनाने का कोशिश करती हूँ। इसमें हमने 150 ग्राम मावा लिया जो मेरे घर में ही बना हुआ था। इसको हम दो भाग में कर लिए हैं, एक को फिलिंग के लिए रखेंगे और एक ऊपर वाले स्टेप बनाएंगे। इसमें कुछ हमने एक भाग में ड्राई फ्रूट्स डाला है और थोड़े से हमने केसर और थोड़े से हमने ऑरेंज कलर फूड कलर जो है उसको डाला है और उसको हमने मिक्स अच्छे से कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से इसको मिक्स कर के लिए और इसके बाद उसमें हम एक एक बूंद रोज़ वाटर डालेंगे। इससे डालने से इसकी खुशबू और भी बढ़ जाती है, पूरे ऑप्शनल है। और उसके बाद जो कलर हमने वाले किए थे जिसमें केसर डालो उसको हम दो लोई बना देंगे और एक और भाग को हम ऐसे दो हिस्से में बांट करके इसके अंदर इसको केसर वाले भाग को ये कलर हमने थोड़े बड़े बनाया है, चाहे तो आप छोटे छोटे 3-4 भी बना सकते हैं। इसके बाद हम इसको अंदर केसर वाले को फिलिंग कर देंगे और इसको अच्छे से बाहर में शेप दे देंगे कलश के। देखिए अच्छे से हमने गोलाई से करते करते इसको एकदम कलश के शेप दे दिया है और ये अंगूठे और उंगलियों के सहारे ही अच्छे से होता है और इसमें थोड़े से हमने गड्ढे करके एकदम ये कलश का शेप बन गया है। घर में हमेशा मिठाई बनाने से ये फ्रेश ताज़ा रहता है और आप कई दिनों तक आराम से यूज भी कर सकते हैं, ये ख़राब भी जल्दी नहीं होता है। इसके बाद देखिए ये एकदम कलश के शेप बन गया, दूसरे को भी हम उसी तरह। इसके बाद हम सिल्वर लीप को करेंगे, ये कागज़ के ही सहारे करने चाहिए क्योंकि ये नहीं तो हाथों में चिपक जाएगा। देखिए हमने एक को इसी तरह कर लिया और दूसरे को भी इसी तरह कर लेंगे। ये हमने दो कलश बनाया है और इसके बाद इसमें हम एक मौली धागे से, चाहे तो आप केसर से भी इसके कलर करके कलश के डिजाइन बना दें और ऊपर से हमने पिस्ता से डेकोरेट कर लिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में और एक बार बनाने के ट्राई ज़रूर करिए, बहुत आसानी से मिठाई बन जाता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।